ये एक ऐसी मूवी है जिसको मैं कह सकता हूँ कि यार ये हर किसी को देखनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर लाइफ को जीने का, खुश रहने का एक बहुत अच्छे वे में दिखाया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा लाइफ इज ब्यूटीफुल मूवी के बारे में, जो 1997 के अंदर आई थी, और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसके अंदर काम दिखाया गया है। तो इसकी कहानी के बारे में बात करते हैं। गुइडो नाम का एक व्यक्ति इटली में रहने आते हैं और वो एक ज्यूस है। ये इंसान बिल्कुल ही बेफिक्र है, दूसरों को बिल्कुल अपनी बातों से हंसा देता है, ऐसी हरकतें ये करता है कि आप इसको देखोगे तो हंसी आ जाएगी, मतलब देखते ही आपको ये पसंद आने वाला है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक ज्यूस है, दरअसल क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ था तो उसमें जर्मनी की हार हुई थी, तो वहां पर जर्मनी में वहां लोगों को लगा कि ये जो हार हुई है, देश का जो अपमान हुआ है, वो ज्यूस लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि वो उस वक्त गवर्नमेंट में हुआ करते थे, सरकार उनके हाथ में थी। अब वहां पर जो नाजीज हैं, मतलब कि हिटलर है, वो ये बात लोगों को समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि देखो जो देश का अपमान हुआ है वो ज्यूस लोगों की वजह से हुआ है। अब यहां पर लोगों के अंदर गुस्सा फूटता है ज्यूस के खिलाफ और वहां पर कत्लेआम, बहुत बड़ी मात्रा में कत्लेआम शुरू हो जाते हैं, और वहां से ज्यूस जो लोग हैं वो निकल निकल कर दूसरे देशों में जाना शुरू करते हैं। अब यहां से ही एक जो व्यक्ति हैं गुइडो, एक तरीके से सब चीजें इसमें दिखाई नहीं गई, मैं आप लोगों को एकदम बेस बता रहा हूं कि एक्चुअल में हुआ क्या था, क्यों नफरत थी ज्यूस लोगों के खिलाफ वहां पर। तो जब गुइडो इटली में आता है तो यहां पर वो देखता है कि कुछ लोग, कुछ क्या, ज्यादातर लोग जो है वो वही नफरत यहां पर रखे हुए हैं कि ज्यूस लोगों को वो पसंद नहीं करते हैं। और यहां पर आके वो एक होटल में काम करना शुरू करता है जो उसके अंकल का होता है, और जैसा कि भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तो वहां पर वो होटल्स के सामने या सिनेमा हॉल के सामने लिख दिया करते थे कि भैया इंडियंस एंड डॉग आर नॉट अलाउड, कि भैया कुत्ते और भारतीय अलाउड नहीं है यहां पर। सेम टू सेम आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा कि जो शॉप है वहां पर आप लोगों को देखेंगे, वहां लिखा हुआ है ज्यूस एंड डॉग्स, जो ज्यूस हैं और कुत्ते हैं वो अलाउड नहीं है, इसमें ऐसा सीन आता है वो देखने को आपको मिलेगा। अब यहां पर जो गुइडो रहने आता है इटली के अंदर, काम करता है, तो इसको एक लड़की से प्यार होता है, उससे शादी करता है, उसका एक बच्चा होता है, एकदम बिल्कुल स्मूथ लाइफ चल रही होती है। अब इस स्मूथ लाइफ में ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही, उसने कभी भेदभाव नहीं देखा, लोगों ने उसको डराया नहीं, ऐसा किया होता है, उसके अंकल के घर पे जाकर उसके अंकल को मारना, सामान तोड़ना, उनके घोड़े के ऊपर बहुत गंदी गंदी चीजें लिख देना, इवन ये गुइडो भी ऐसी ऐसी चीजें फील करता है, लेकिन ये बहुत चीजों को लाइटली लेता है। अब कब तक चीजें नॉर्मल चलेंगी, एक टाइम आता है कि जर्मन की जो सेना है वो इटली में आकर ज्यूस लोगों को पकड़ना शुरू करती है, और इसके अंदर गुइडो और उसका छोटा बेटा जो है वो 5-6 साल का होता है, वो भी यहां पर पकड़ा जाता है, और इनको पकड़कर एक कालकोठरी में रखा जाता है और उनसे काम करवाया जाता है बहुत ज्यादा। अब इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी गुइडो जो है अपने अंदर, मतलब हार नहीं मानता है, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए या उसको खुश रखने के लिए, ताकि वो डरे ना, उसको एक कहानी सुनाता है कि देखो बेटा ये एक गेम है, अगर इसमें हम अच्छे से खेलेंगे तो हमें पॉइंट्स मिलेंगे, और पॉइंट्स मिलेंगे तो हमें लास्ट में एक टैंक देखने को मिलेगा, हमें टैंक मिलेगा। तो इससे इसका बेटा ना वो डरता नहीं है, वो बहुत लाइटली इस चीज को ले लेता है। और जब आप देखोगे इस चीज को, इस सीन को देखोगे, जब वो अपने बेटे के साथ जब कन्वर्सेशन कर रहा होता है, तो देखोगे यार एक बाप अपने बेटे को बचाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर पा रहा है जो वो कर सकता है। इसमें गुइडो आप देखो तो कोई पहलवान नहीं है, कोई बॉडी बिल्डर नहीं है, उसको कोई ऐसी चीजें आती नहीं है कि वो 10 बंदों को मारकर अपने बेटे को छुड़ा के लेके जाएगा, लेकिन नहीं, वो अपने अंदर की जो करेज है, जो इनर स्ट्रेंथ है, उसके दम के ऊपर अपने बच्चे को खुश रखता है, उसको सही सलामत रखता है। और जितना ये मूवी आप लोगों को स्टार्टिंग में हंसाएगी, अपने साथ कनेक्ट करेगी, लास्ट में उससे कहीं ज्यादा रुलाने वाली है। एक लाइफ का कष्टदायक सत्य क्या होता है ये मूवी आपके सामने रखेगी, साथ ही साथ उसको एक बड़े ही लाइट वे से ढकने की भी कोशिश करेगी। पूरे दिन थक कर, हार कर, मार खाकर, सारा दिन काम कर कर, अब जब गुइडो उस कालकोठरी में आता है जहां पर कैदी रखे होते हैं, तो यहां पर इसका बेटा भी होता है, इसका इंतजार कर रहा होता है, इतना थका हुआ होता है, इसे चला नहीं जा रहा, खड़ा नहीं रहा जा रहा, बावजूद इसके जैसे इसका बेटा इसके सामने आता है, ताकि इसके बेटे को पता ना चले कि इसने क्या किया है, इसको दर्द हो रहा है, ये अपने फेस पर स्माइल लेके आते हैं, और ये वाला जो सीन देखते हैं ना, आप लोगों को पता चलेगा कितनी खूबसूरत इस मूवी की राइटिंग है, मतलब देखते ही प्यार होने वाला है ये, वो जो राइटिंग आप इस मूवी के अंदर देखोगे, एक तरफ हमारे चेहरे पे हंसी होती है और दूसरी तरफ हमें पता होता है यार इस इंसान को कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। अब देखो यार इस मूवी को आप एक तरीके से ऐसे भी देख सकते हो कि नाजी ने जो है वो कितना अत्याचार किया था लोगों के ऊपर, ज्यूस लोगों के ऊपर उनको मारा था, बहुत ज्यादा कष्ट दिया था, या फिर आप इसको इस वे में भी देख सकते हो कि एक इंसान जो है वो अपने अंदर की स्ट्रेंथ,
स्ट्रेंथ या अपने करेज या फिर कहें कि लव, इतनी चीजों को वो स्प्रेड करता है, फैलाता है, अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है। ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप इस मूवी को कैसे लेते हो। और इस मूवी के अंदर एक सीन आता है जब गुडो अपने बेटे के साथ ऐसे ही अपनी शॉप को ओपन करने जा रहा होता है, तो एक शॉप के ऊपर लिखा हुआ मिलता है कि यहां पर जूस और कुत्ते अलाउड नहीं है। तो इसका बेटा बड़े इनोसेंट वे से पूछता है कि पापा ये क्या है, इसका मतलब क्या है, और ये हमें क्यों नहीं अंदर आने देना चाहते। तो गुडो बड़े ही लाइट वे में रिप्लाई करता है कि ये उनकी इच्छा है, वो नहीं आने देना चाहते, वो पसंद नहीं करते हैं इसलिए वो नहीं आने देना चाहते होंगे। तो अपने बेटे से पूछता है तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, हम भी अपनी शॉप के बाहर एक तख्ती के ऊपर लिखेंगे, तुम बताओ किसको नहीं आने देना चाहते। तो इसका बेटा बड़े ही मासूम वे से रिप्लाई देते हैं कि मैं कॉकरोच को नहीं आने देना चाहता। तो कितनी सुंदरता है इस मूवी के अंदर, आप लोग जब ये सीन देखोगे तब आपको पता चलेगा। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 10 out of 10 स्टार। अगर ये मूवी किसी ने देखी हुई है तो प्लीज कॉमेंट करना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो जाकर देखो यार, डेफिनेटली मैं इसको, मतलब ऐसी मूवी है जो हर किसी को देखनी चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, यह लाइफ का एक बहुत अच्छा मैसेज आप लोगों को प्रोवाइड करती है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।